शुरुआती जब सब खैरियत से जहां भी हो जना अभी जबरदस्त थी। पहले हम 90 डिग्री वर्टिकली ले आए थे, वेरी मेजर स्ट्रेंथ इंडिया के ले आए थे, सेकंड इज स्ट्रेंथ था ना। अच्छा अभी हमें एक कली मींस का वो 80 डिग्री डेंजरस वर्टिकली ना डेंजरस ग्रीन फ्लैग मिल गया है, वो हम देखने लगे हैं। इसको और बड़ा जबरदस्त बड़ा मजा आने वाला है उम्मीद है, तो आप हमारे साथ रहिए देखते हैं कुछ। Hi viewers, so we are here with a new reaction video और ये भी होने वाली है full trekking adventures and pretty dangerous sea और thrilling sea trekking जो की है कली डेज की, जो आपको भी कली डेज पसंद है, हमें भी कली डेज पसंद है। तो जल्दी से उनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। जब वीडियो एंड होती है यहाँ 14 नासिक पे है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं जब वीडियो एंड होती है। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं चादर ला कर दिया चांस तो स्टार्ट। You have to climb that? मैं सोच रही थी अब तक मैं 80 डिग्रीज ही आ रही हूँ ऊपर, बट नो गाइज दैट वॉज नॉट 80 डिग्रीज। नासिक चाहे ही महाराष्ट्र का फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है, बट बात जब यहाँ की लैंडस्केप की होती है, इट इज ट्रूली अ ट्रैकर्स पैराडाइज। तो आज मैं आई हूँ नासिक से 40 किलोमीटर दूर टू द हरिहर फोर्ट। Well, just the drive to Harihar Fort has been so beautiful. I'm thinking ऊपर जाकर कितना मजा आएगा और उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा टॉप पर जाकर व्यू देखना। फिलहाल आई एम एट द बेस लेवल एट द विलेज एंड यहाँ से हरिहर फोर्ट है 3600 फीट अबव द सी लेवल। इनफैक्ट नासिक के इन एंड अराउंड देयर आर ओवर 100 ट्रैकिंग पॉइंट्स, बट आई वाज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट हरिहर फोर्ट बिकॉज इट हैज अ वर्टिकल स्टेयरकेस व्हिच इज ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज। ओके अब ये सब मैंने फोटोज ही देखा है, अब जाकर देखूंगी हाउ स्केरी और फन इट इज। लेट्स गो। ट्रैकिंग कर ही रही हो तो साथ वर्कआउट भी हो जाए। लेट्स सी हाउ मेनी किलोमीटर्स इज दिस ट्रैक। प्रेसिंग स्टार्ट। बिगिनिंग वर्कआउट। बिगिनिंग वर्क। सीम्स अब तक सिर्फ 10% ऑफ द ट्रैक हुआ है। ट्रैक इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक्स माना जाता है। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द यादव डायनेस्टी पीरियड टू ओवरसी द ट्रेड रूट्स। ये ट्रैक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फ्रॉम द विलेज टू द प्लाटो एंड दूसरा फ्रॉम द प्लाटो टू द टॉप। राइट नाउ आई एम ऑन 2.5 किलोमीटर ट्रैक टू द प्लाटो एंड ट्रस्ट मी दिस इज बेस्ट एंजॉयड व्हेन द सनलाइट इज लो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो। दिल्ली अब दूर है, फोर्ट इज ओवर देयर। इतना दूर है मुझे लगा आधा रास्ता आ गया होगा, बट नहीं अपेरेंटली 10% भी नहीं हुआ है। बट दैट्स द फन। लेट्स गो लेट्स गो। ट्रैकिंग करते हुए इट्स इम्पॉर्टेंट टू वेयर द राइट गियर, राइट शूज एंड वेदर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स ऑलवेज मेक द ट्रैक मोर इजी। पर अगर आप मेरी तरह ट्रैक पैंट पैक करना भूल जाओ तो वेल मेक डू विद व्हाट यू हैव। नितिन सर तुम्हें इकड़े आप आते रहते हो यहाँ पे ट्रैकिंग करने? वेल मीट नितिन सर, ही इज अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म ऑफ नासिक एंड ही इज अ रेगुलर हियर एज यू कैन सी विद हिज फिटनेस।
मैं ठीक कर रही हूँ, मैं तो बहुत हाफ रही हूँ. नो प्रॉब्लम, थोड़ा बॉडी वार्म अप होने के बाद इट गेट्स नॉर्मल. बट आई हैव टू से आपका नासिक बहुत खूबसूरत है. और आप हाउ ऑफन डू यू कम फॉर ट्रैकिंग? एवरी वीकेंड. एवरी वीकेंड? यस. ओ माय गॉड, यू आर डूइंग फुल जस्टिस टू योर डेजिग्नेशन. या टोटली बिलीविंग एंड प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ नासिक. तो क्या खास बात है नासिक की? नासिक में सब कुछ है. नासिक में स्पिरिचुअलिटी है, नासिक में वाइन है, नासिक में इंडस्ट्री है, और नासिक में एडवेंचर टूरिज्म भी है. वाओ, लॉट ऑफ वाटर बॉडीज आल्सो देयर इन नासिक. एडवेंचर टूरिज्म, और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, स्पिरिचुअलिटी भी है और वाइन भी है. भी है. इसके लिए आपने कौन सा एक मुहावरा? द्राक्ष से रुद्राक्ष. द्राक्ष से रुद्राक्ष. और कितना दूर है? थोड़ा है अभी बस, ज्यादा नहीं. आप वो सब आप नीचे से यही बोले जा रहे हैं कि थोड़ा है, थोड़ा है. ट्रैकिंग करते वक्त ऊपर नहीं देखना, नीचे देख के चलते रहोगे तो रास्ता कट जाता है. लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू, कितना खूबसूरत है. वाओ, ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोप के फार्म के ऊपर कोई व्यू देख रहे हो. डिड यू नो महाराष्ट्र इज दिस ब्यूटीफुल? वेल, हाफवे थ्रू और हरिहर फोर्ट अब ज्यादा क्लियरली दिख रहा है. You know, from the base, it looks like it's rectangular, but interestingly, it is built on a triangular prism. So, जैसा ये दिखता है, ये वैसा है नहीं. I just had a nice candy. इससे शायद मुझे काफी energy आ रही है. It's nice. This is a pro tip. ट्रैकिंग करते हुए थक जाओ, टेक इन ऑफ कैंडी. मैं सोच रही थी अब तक मैं 80 डिग्रीज ही आ रही हूँ ऊपर, बट नो गाइज, दैट वॉज ऑन 80 डिग्रीज. दिस इज 80 डिग्रीज. सुमित, दिखा दो कैमरा पे. आप इतना थोड़ा थोड़ा बोल के पूरा ऊपर तक लेके आए. यही उसका. दिस इज व्हाट इज ट्रैकिंग. ना नीचे देखो ना ऊपर देखो, चलते रहो. वाओ, बट आई हैव टू शो यू मेरे आगे का क्या व्यू है. वन ऑफ द मोस्ट स्केरी थिंग्स टू हैपन व्हाइल यू आर ट्रैकिंग इज बीइंग सराउंडेड बाय मंकीज, स्पेशली व्हेन आई एम scared of even dogs or cats. The monkeys to mere liye are like tigers. So, but I've been told to stay calm. So that's what I'm going to do. I don't have any food to offer, so they're going. I hope so. I can see a couple of them here in front of me. And they're making some noises, but okay, my trek is not complete and I have to complete it. This is the challenge. Let's go. At
फॉगी है, बट थैंक यू टू यू फॉर गेटिंग अस हियर। और मैं अपील करता हूँ जो लोग ये देख रहे हैं वो सब भी आए और एंजॉय करें। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक। ओके, आई एम सो ग्लैड आई डिड वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स। बट अब ऊपर आकर मेरे मन में एक शायरी आ रही है। पर्वत पे चढ़ी मैं जैसे तैसे, पर्वत पे चढ़ी मैं जैसे तैसे, कि खुदा भी पूछे अबे तू उतरेगी कैसे। जैसे चढ़ी वैसे ही उतरेगी। It's very easy. मुझे उसका डर लग रहा है अब मैं उतरूंगी कैसे। और ऊपर आते हुए तो यू नो इट लुक्स डिफिकल्ट, बट यू नो इट हैज दोस खाचा है जहाँ पे अपना हाथ रख के आप ऊपर जा सकते हैं। नीचे कैसे जाएंगे? वैसे ही वैसे okay. जैसे ऊपर चढ़े वैसा ही उतर। बैकवर्ड्स लाइक दैट, बैकवर्ड्स नॉट फ्रंट। नीचे देखते हैं, नीचे वो नीचे का ग्रिप पक्का करना, उतर दिया। चलो शुरू करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करते रहे, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया।
तब तक के लिए बाय बाय।